संस्कार है क्या तेरे, चार लोग के सामने आके बड़ बड़ करने? मत निकालो, पहले खुद के संस्कार देखो। मैं घेर आके ऐसे बोलता ना तो अच्छे से सबक सिखाता। अच्छे मेरे से अच्छे से बात करने का, चार लोग के सामने अच्छे से बात करने का, समझी? तो आप भी वैसे रहो। मैं क्या जरूरत थी तेरे को? क्या जरूरत थी नीचे आके बड़बड़ करने की? क्या जरूरत थी? तू कितना टाइम कितना लोगे आप? कुछ लिमिट है कि नहीं? तो तू नीचे आके सबके सबके सामने तू बोलेगी? सबके तो सामने बड़बड़ाएगी? नहीं आता है क्या आपको? समझ में नहीं आता है क्यों मेरे को गुस्सा दिलाते हो? आपको पता है ना घर पे अकेली रहती हूँ, कितना टाइम वेट करूंगी? फोन करूंगी तो साइलेंट पे रख देते हो फोन, या जानबूझ के नहीं उठाते हो पता नहीं। क्या मुंह देखते बैठे हो इधर? अभी खुद की गलती आपको दिखती नहीं है कभी? गलती करके भी ना अनजान बने रहते हो आप, हमेशा की बात है ये। हमेशा सहन ही करते बैठे हो, अभी नहीं मैं कुछ सहन वहन करने वाली। अभी देख लो सब आपके सर पे होगा तांडव, सीधा सर पे। क्या इधर मोबाइल लेके खड़े हो? तो जाओ क्या नीचे, जाओ बाहर जाके खड़े रहो। क्या फिर मुंह उठा के क्यों आए हो? जाओ क्या नीचे बोल रहे हो? तो आके सामने सबके सामने चिल्लाए क्यों मेरे को? फिर क्या आरती करो सबके सामने आके? आरती करनी चाहिए थी आपकी। आरती नहीं, आरती चिल्लाना तो नहीं चाहिए था। आरती की मैं बोल रहा नहीं, आरती कर। फिर आपको समझ में नहीं आता है क्या? टाइम कितना हुआ है, बीवी घर पे अकेली है या फोन कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा गप्पे मारने में बिजी हो गए। ऐसे कौन से गप्पे मार रहे थे? ऐसे कौन से गप्पे मार रहे थे? क्या कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी? इतना भड़क नहीं क्या हुआ? मुझे पता है, मैं बातों बातों में वक्त का पता नहीं चला इसलिए। तो पता चलना चाहिए इसलिए मैंने वहाँ पे गुस्सा। तो उस चीज में को अच्छे से बोल के तो लेके आ सकती थी ना, गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? चार लोग के सामने इतने जोर जोर के चिल्लाने की चिल्लाने की क्या जरूरत थी? आपको समझ में नहीं आता क्या कितना टाइम हो गया, कब का गए हो बाहर, कब का नीचे बैठे हो? एक आधे घंटे में आधे घंटे में आता वो बोला। आपको भी पता मैं कितनी बार वहां से चुपचाप निकल के आई हूँ। तो अभी मुझसे सहन नहीं होता इसलिए आज मेरा दिमाग का पारा है ना फट गया था, सच बोलूं तो। दिमाग का पारा फट गया तो सबके सामने तो चिल्लाएगी मेरे को? ऐसे अकेले में चिल्ला रहा जितना चिल्लाना है, सबके सामने क्यों चिल्लाती? अरे बाबा अकेले में चिल्ला चिल्ला के मैं थक गई हूँ, अकेले में समझा समझा के थक गई हूँ। आपको समझ में ही नहीं आता इसलिए तो अब ऐसा करेगी? सोचा आज सबके सामने मैं अगर कुछ दो शब्द आपको बोलूंगी तो एटलीस्ट अक्ल तो आएगी। तो अब मेरी अक्ल निकालेगी? तो अक्ल निकालेगी मेरी है ही नहीं तो क्या निकालूं? तू इतनी समझदार हो गई कि मेरी अक्ल निकाल रही है, तेरे को क्या लगता है? तू सब सही करती है जिंदगी में, तुझे क्या लगता है? तू कभी गलती करती नहीं? गलती करती नहीं है कि बाबा ये चीज मत कर, फिर भी मैं वही चीज नहीं दोहराती हूँ। तो अगर हो गया, अभी मैं दिन भर काम कर, रात में अगर थोड़ा गप्पे मार लिए ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, लेट हो गया, तो तू इस तरीके से मेरे से बिहेव करेगी? नहीं होना चाहिए। इस टाइम में तो मेरा ध्यान रखो, मेरी ख्याल नहीं रखता? मुझे थोड़ा दिमाग में रखो, बाहर जाओगे तो तेरे को भूल गया, कहीं दूर गया हूँ मैं? साथियों आसमान में जाके खड़ा हूँ क्या, बैठा था क्या? फ्लोर पे जाके देखो कोई भी इंसान जग रहा है क्या? नहीं जग रहा, लेकिन अकेली वेट करते बैठू जो भी हो, लेकिन इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था तूने सबके सामने कि समझ में नहीं आता कि आपको कितना बजा है, मैं अकेली हूँ घर पे, यहाँ रोज रोज बैठे रहते हो, क्या मिलता है सबके? ये लोग के साथ बैठ के, ये लोग के साथ मतलब तुम मेरे साथ वो लोग को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? वो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे उनके बारे में? ये लोग के साथ बैठ के क्या मिलता है? वो लोग के घर पे भी कोई ना कोई वेट करता ही होगा ना। उनके घर पे उनके माँ है, किसी की बीवी होगी, शादी हुई हुई होगी तो कोई आता? कोई आता तो नहीं है वो लोग को? जिस तरह से तू आके बोल के गई वैसे तो कोई नहीं आता बोलने? उन लोग को भी घर पे बोलते होंगे आप? तो घर तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, घर पे बोलते होंगे, चार लोगों के सामने नहीं बोलता कोई आके? कुछ दिन जाएंगे ना तो वहाँ पे भी चार लोग के सामने भी सुनाते जाएंगे, फिर भी वो लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ कुछ लोग को सुनाते भी गए होंगे, फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता होगा। कोई सुना के नहीं गया? तेरी दिल पे मतलब तू ये चार लोग के सामने मुझे इतना कुछ बोल के जाएगी दिल पे ना लू?
ऊपर से तू मुझे इस चीज का बुरा लगा कि क्या मिलता है लोग के साथ बैठ के, तेरे को क्या पता है किसके बारे में क्या पता है कौन कैसा तेरे को। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की मीटिंग चल रही थी वहाँ पे आके। अरे जो भी हो जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या, प्रधान वही इंसान है, हम लोग इंसान नहीं है, वो लोग की जिंदगी है हमारी जिंदगी नहीं है। दिल लोग के सामने, चार लोग के सामने आके। अरे तुझे समझना चाहिए पूजा, तू सबके सामने बोल रही है लोग के साथ रोज रोज बैठ के क्या मिलने वाला है इसे बोल के, तुझे समझ में नहीं आ रहा कितना इंसल्टिंग फील हो रहा है। क्या मिलने वाले है? अरे वो लोग को कैसा लगा होगा, क्या सोच रहे होंगे, कितना तू भाभी हो लोग किस लिए, तुझे किसने कुछ बोला? अगर कोई घर आके ऐसे बोलता ना तो अच्छे से सबक सिखाते। मैं भी उनको बोल देती हूँ, आके बोल के दिखा, हिम्मत तो करे कोई आके बोलने की। बहुत बहुत जुबान खोल रही है, तेरे को जो भी बोलना है अपने बीच की बात है, तेरे को जो भी बोलना है मुझे अकेले में बोला कर। अगर मैं चार लोग के सामने वही, अगर तू तेरे सहेलियों के साथ खड़ी होती, अगर मैं तुझे कुछ बोलता हा? चार लोगों के सामने, तेरी फ्रेंड सर्कल के सामने मैं आके तेरे को अगर चिल्लाऊ तेरे को अच्छा लगेगा? अगर मैं गलत होती हूँ तो मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता। अगर मैं गलत गलत बिलत आप वहाँ पे गलत थे, आपको बुरा नहीं लगना। अरे तुझे समझना चाहिए पूजा, ये संस्कार है क्या तेरे चार लोग के सामने आके बड़बड़ करने? निकालो पहले खुद के संस्कार देखो। मेरे बहुत मेरे बोरे बीवी को अकेले छोड़ के, वो भी रूम में पूरे घर में अकेले छोड़ के आप दो दो बजे एक एक बजे तक नीचे बैठोगे? रोज नहीं बैठता पूजा, रोज नहीं बैठता, कभी कभार मूड कर लेता है, कभी कभार मजाक मस्ती चलती है। मैं आपको वहाँ पे चिल्ला नीचे नीचे एक लड़के का बर्थडे था इसलिए मैं रुका था, लेकिन उस एक का था, कल दूसरे का, परसों तीसरे का होगा, तो क्या होगा तो तू तो समझ नहीं सकती। रोज रोज मैं बैठता हूँ, रोज रोज बैठता हूँ मैं, आके बड़ी बड़ी करके बात मत कर मेरे से, मैं शांत हूँ तब तक शांत होगा, मैं भड़क गया ना तो तेरे को भी पता है अच्छे से क्या हो सकता है। क्या हो सकता है मुझे भी देखना, भड़को भड़क के तो देखो एक बार, मैं भी कितना बात करने का ढंग होता है यार, बात करने का ढंग होता है। मेरा दिमाग तो दिन भर खराब करती है, मेरा दिमाग तो 24 घंटा खराब करके रखती है तू, तो मैं कितना मैं आपा खो दूं अपना? अगर दोनों वही करते बैठेंगे एक दूसरे का गलती करो तो मैं जाके बैठू तो कितना पूरा घर सर पे ले लेते हो। कभी तुझको अगर मैं बोलता हूँ तो मैं घर पे अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं घर में जब तू होती मैं होता तभी बोलता हूँ, 10 लोगों के सामने आके तेरे को कभी मैंने कुछ बोला नहीं हूँ। मैं अपने आप में खुद से मुंह उतार के बैठ जाता हूँ। दोहराती हूँ क्या बताओ पहले आप मुझे, मैं वो गलती फिर से दोहराती हूँ? अरे गलती क्या गलती, लेकिन मेरी क्या गलती थी, गुनाह था ये मेरा, ये गुनाह था। अरे दोस्त यार है, मिलते रात को बैठते हैं, अभी कोई रूल अलग, मेरे लिए कोई रूल अलग, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। हाँ दोस्त यार कभी कभार मिलते यार, हम लोग तो जरा बातें करते बैठ गए, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, वक्त का पता नहीं चलता, मस्ती मजाक में नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, तू अगर वही होगा तो अगली बार तू आएगी ना मैं भी तेरे को बराबर सुनाऊंगा, वही लड़के लोग के सामने अगर मैं तुझे कुछ बोलूंगा ना तो तेरे को कैसा लगेगा देख। गलती क्या थोड़ा सा अगर थोड़ा थोड़ी देर अगर ज्यादा बैठ लिया तो उसमें क्या तूफान उड़ गया क्या, अब पहाड़ टूट गया, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत नहीं थी, इतना गुस्से गुस्से से आके चार लोग के सामने बोलना, कुछ हेल्प भी लग सकती है। अरे क्या हेल्प, तो मेडिकल इश्यू हो जाता है, हो जाता है, क्या करोगे? फोन करने का ना, फोन कर रहे, उठा रहे हो क्या? तो दिन भर घर पे रहता हूँ तब तो अचानक तेरे को मेडिकल इश्यू हो जाएगी, ये सब क्यों लग रहा है? तेरे को सिर्फ बहाने चाहिए ना झगड़ा करने के, अचानक तेरे को अचानक तू है ना आगे का सोच लेती पूरा, कुछ हो जाता मैं गिर जाती, चक्कर आ जाता, कुछ हो जाता, कौन रहता देखने? अरे तू इधर ना क्यों आगे का नेगेटिव थिंकिंग कर रही है रे, कुछ भी हो सकता है। तो अगली बार से ढंग से बात करने का, किसी के सामने अगर आएगी ना मेरे से ढंग से बात करने, अगर मेरे से बात अच्छे मेरे से अच्छे से बात करने का, चार लोगों के सामने अच्छे से बात करने का, समझी? तो आप भी वैसे रहो, मैं अगर मैं अपने पे आया ना फिर तेरे को भारी पड़ जाएगा, समझी? आप भी वैसे रहो, मैं वैसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, अगर हो गया ठीक है मैं से कुछ ऊपर नीचे होगा तो समझ के लेना चाहिए तेरे को। क्यों आप लेते हो मेरे को रिवेंज लेने की, रिवेंज की भावना निकाल दे दिमाग से, सही नहीं होगा। आप समझ के लेते हो, अभी एक बच्चे की माँ बनने वाली, थोड़ा है ना दिमाग को आपने अच्छे से चला, बच्ची नहीं है तू, अभी बच्ची नहीं है, मैं समझता, मेरे को अच्छे से समझता है कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, तुझे नहीं समझता होगा तो आप टाइम पे घर जरा समझदार बन,
छोटी छोटी चीजों को है ना प्यार मोहब्बत से निपटाना चाहिए, ना कि ऐसे भड़क के गाली गलौज करके झगड़ा करके खत्म करना है। गाली गलौज नहीं बोल रहा, झगड़ा करना जरूरी नहीं है, थोड़ा गुस्सा करना जरूरी नहीं है, थोड़ा कंट्रोल कर काबू कर जरा। मेडिटेशन मेडिटेशन उठ के करते जा सुबह, थोड़ा दिमाग शांत रहेगा, स्टेबल रहेगा। तेरे को जरूरत है, फिलहाल तो आपको है। देखता हूँ ना मैं कल, मैं रोज बैठूंगा नीचे जाके, क्या कितना दिन तू कितना कुछ करती है मेरे को देखना है। आई बड़ी जरा समझदार बन, अभी भी बोल रहा हूँ बच्ची नहीं रही है, 2 साल हो गए शादी को फिर भी इस तरीके का बिहेवियर। शांत रह चल, हाँ रहने दे, मेरे को पता है क्या सिखाना है उसको, तू मत सिखा मेरे को कि उसको क्या सिखाना है, तू पहले खुद सीख, तेरे को खुद को जरूरत है, तू खुद सीख फिर मेरे को बताना। शांति से बर्तन घिस, मैं जा रहा हूँ नीचे, अभी नहीं जा रहा लेकिन ठीक है, अभी मैं जस्ट आया हूँ लेकिन अभी नहीं जा रहा, कल जाऊंगा देख वापस, देखता हूँ क्या करती है।